नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मंडला में 21 दिसंबर 2020 को नैनपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत चिरीडोंगरी में भाजपा के वर्ग प्रशिक्षण का कार्यक्रम आरंभ हुआ। इस कार्यक्रम में कार्यक्रम की अध्यक्षता अंजनी तिवारी जी, प्रकाश कटारे जी, विधायक देव सिंह सयाम जी, चिरीडोंगरी मंडल अध्यक्ष भरत यादव जी और बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस प्रशिक्षण वर्ग के कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष भीष्म द्विवेदी जी के व्यक्तित्व विकास को लेकर प्रशिक्षण वर्ग में कार्यकर्ता गणों को अवगत करवाया गया एवं दीदी राज्यसभा सांसद संपतिया उइके के द्वारा भाजपा के इतिहास और विकास के मुद्दों पर जानकारी प्रदान की गई और भाजपा पार्टी के मुख्य पंच निष्ठा के बारे में भी जानकारी दी गई। राज्यसभा सांसद दीदी संपतिया उइके के द्वारा भाजपा के इतिहास काल से अभी तक जितने भी विकास के कार्य बीजेपी के कार्यकाल में हुए, ऐसी बहुत कुछ जानकारियों के बारे में अपने कार्यकर्ताओं को अवगत करवाया गया और संगठन को मजबूती देने के लिए यह जानकारी कार्यकर्ता वर्ग प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से बताया गया। श्री भगवती श्रीधर के द्वारा सोशल मीडिया का आज के समय में कितना प्रभावी उपयोग है, इसकी भी जानकारी वर्ग प्रशिक्षण में दी गई। पंचायती राज न्यूज से धर्मेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट, जिला मंडला। की सुरक्षा, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, पहला शब्द तो समझ में आता है, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर के अपने अपने मायने होते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से भी सोच सकता हूं कि मैं बड़ा हुआ, कमाने लगा, खाने लगा, मेरे को तनख्वाह मिलने लगी, पैसा मेरे पास आने लगा, भाई मैं आत्मनिर्भर हो गया, मोटरसाइकिल ले ली, गाड़ी ले ली बड़ी, लड़के बच्चे हैं सब घूम रहा हूं साथ में, चश्मा लगा लिया, ये भी आत्मनिर्भरता है। जिस तरीका से गांव-गांव में प्रधानमंत्री सड़क बनाए और आज अटल जी के प्रधानमंत्री सड़क बनाने के नाते आज हम सब लोग भी देख रहे होंगे कि आज चाहे किसी भी क्षेत्र में निकल जाओ, कहीं भी चले जाओ, अटल बिहारी वाजपेयी लगातार, आज आप हम सब लोग अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को याद करते हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी को याद करते हैं तो उस समय में अटल बिहारी वाजपेयी की चेहरा याद आती है और अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। 10 साल बाद फिर चुनाव हुए, हमारी 4.5 साल बाद, तो जब 4.5 साल बाद चुनाव हुए तो हम 10 साल सरकार से आउट हो गए। और जब 10 साल आउट